हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में साथियों हम अपने कोचिंग का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। साथियों उससे जुड़ा हुआ ब्लॉग होने वाला है, तो ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पोस्टर छपवाया है और ये सारी चीज़ें, अपने कोचिंग का नाम है एसकेपी कॉम्पिटेटिव क्लासेस, और ये सारी चीज़ें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे डेट के लिए लेकर। साथियों इसको 28 मार्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 28/3/2023 नवोदय बैच स्टार्ट। तो साथियों 28 यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम लोग सब लोग बच्चा सब आने वाला है, और एक ऑटो लिया गया है साथियों, उसके साथ चला जाएगा अगल बगल गांव में और वहाँ पे प्रचार किया जाएगा साथियों। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं अपने कोचिंग के प्रचार के लिए, और यहाँ पे हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मित्र हैं सब लोग जा रहे हैं साथियों। चलिए एक गांव से स्टार्ट किए हुए हैं, आगे बहुत सारा काम करना है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो अब बारिश खुल चुका है, तो फाइनली गाइस अब हम लोग पेपर को साट रहे हैं, लगा रहे हैं। गांव दूसरे गांव में आए हुए हैं साथियों, यहां से करीब 3-4 गाँव जाना। एक और चाहिए था ब्रश, नहीं ये देखिए फ्रेंड्स हमारे तरफ का एक अच्छा स्कूल है, और यहाँ पे साथियों हमने पोस्टर वोस्टर चिपका दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ आपको दिख जाएगा, और साथियों यहाँ से पोस्टर हमने लगा दिया है, गली गली लगाते हुए जा रहे हैं। देखिए लोगों का रिस्पांस गजब का रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार आता तो और अच्छा लगता नहीं, क्योंकि सुना सुना थोड़ा सा लग रहा है, चिपका रहे हैं, लेकिन ठीक है बाजार आता तो और अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कोचिंग का प्रचार करके हम आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं मम्मी का साथियों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनको डेयरी ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो ब्लॉग में बन रहिएगा साथियों। तो ये फ्रेंड्स एक आँख अस्पताल है जो डेहरी में है साथियों, और यहाँ पे एक डॉक्टरानी साहब बहुत अच्छी हैं जो देखती हैं, यहीं पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गॉगल्स, और यहाँ पे एक्वेरियम रखा हुआ है, माँ को दिखाने के लिए कैबिन में लेकर गए हैं, और यहाँ से माँ का जांच होगा साथियों। तो फ्रेंड्स अपने मम्मी का हम इलाज करा के आ गए थे, और साथियों अपने घर का ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य हमने शुरू कर दिया है, और आने वाले ब्लॉक्स में साथियों अपने घर का ब्लॉक्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए साथियों किस तरह से हमारे घर के बगल में मिट्टी का काम चल रहा है, और एक डंपर जो था वो पलट गया था, उसको उठाया जा रहा है, और बहुत सारी मटेरियल्स का काम, घर का काम आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो साथियों इंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे घर के बगल में बुलडोजर आया है, और ये बुलडोजर पूरा मिट्टी को बराबर कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बुलडोजर हमारे जस्ट घर के बगल में है, हाता में, वहाँ पे पूरा मिट्टी को बराबर कर रहा है। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा गिर गया है ट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स जेसीबी आ चुका है, कल माटी पूरा भरा गया था, तो आज जो है जेसीबी चल रहा है उसको लेबलिंग करने के लिए, बराबर करने के लिए साथियों। ये देखिए साथियों मेरे घर के जस्ट पीछे चल रहा है,
तो ऊपरे मटिया पकी रही। देखिए मिला के ना कहो, सोचे ले चला ना, सोचे ले चला साइड, हाँ तो साथियों गिट्टी यहाँ पे गिरा हुआ है और यहाँ पे देखिए साथियों किस तरह से ईंटा गिरने का काम शुरू हो गया है। साथियों पहले जहाँ पे मिट्टी भरा रहा था उसी जगह पे हमने मिट्टी भरवाया, फिर इसके बाद उस पे गिट्टी गिरवाया। अब देखिए साथियों ईंटा गिरने का काम शुरू हो चुका है। बताएं यहाँ से हमने कुछ कहा? अच्छा ठीक बा, एजा से? हाँ एजा से। हाँ एजा से फिर कैसे जाए? एजा से हमने कुछ चले नहीं जाए, वो डोर लिंटर, डोर लिंटर भी, वो डोर लिंटर हो गए। हाँ। ठीक बा, डोर लिंटर पर चल जाइए। डोर लिंटर का छज्जा जो बा 10 इंची का देवाल जो बा, 10 इंची का देवाल आ प्लस 2.5 फीट आओ 3.5 फीट जमीन यहाँ से चली और ओकरा में से घूम जाइए और घूम के यहाँ वापस हो जाए। यहाँ कहाँ? यहाँ पर वापस हो जाए, यहाँ वापस हो जाए, यहाँ यहाँ पर यहाँ वापस हो जाए। हाँ टॉप क्लास में चढ़ी वहाँ से, हाँ समझा तनी ना। हाँ घूम के हम यहाँ पर स्टे कर ग्रुप में ऊपर। अच्छा बात समझे तो नहीं? कहाँ जमीन? हाँ तो मान ली कि ई वाला जोन बा तो नहीं हमारा रूम छोट ना हो जाए? ज़्यादा छोट नहीं था, बस 12 फीट तब बचाता है ना। हाँ 12.5 फीट के आसपास बचाता है। चौड़ैया एकर 15.5 फीट बा यहाँ से वहाँ तक। ठीक ना 12 फीट के रूम छोटना हो कि 11.4 बजे से। अच्छा कम नहीं के पूरा लमहर घर लौकी। हाँ वन लाख लेकिन हम ऊपर में पक्षी ऊपर सुनी ना पहले यही पे कह दिल आ ऊपर के दिशा पर हम जब छत पर चल तनी ऊपर के मकान हम जब तैयार कर जरिया हो ऊपर हम चल तनी तो पूर्व दिशा में हम घुसब घर में अपन आंगन में घुसब तो पूर्व दिशा में घूम। हाँ हाँ घुसा तनी तो हम पूर्व पहने हमार चेहरा रही घर के प्रवेश पूर्व ने तो पक्ष में देख ले ज्यादा शुभ माना लाना। तीसरा विकल्प उतरा हवा चौथा विकल्प नहीं कि हमारा हिरनी चघाए में क्या समस्या है? चौथा विकल्प नहीं के दक्षिण में है दुहार ना चौथा विकल्प नहीं तो हम गंगुआ में जाते हैं दक्षिण में जाते हैं। जाए से मतलब नहीं है हमारा भूसे से मतलब है ठीक बा हेने ना चाहिए हर दीवाल पर ना चाहिए हम मजबूरी में तो आइए बा हम मजबूरी हो गई हनुमान जी के मंदिर जहाँ जाती मिल जाए ना तो करो विकल्प पर बा अगर दक्षिण पर बुहार होता है ना तो आदमी को ऊपर तोड़ निकाल ले ले बा हम दक्षिण पर मजबूरी है हमारे रास्ते में तो फिर मैं दक्षिण में घूमते हैं। सही बताइए कि हेने में हमारा जगह में क्या समस्या है? बड़ी अगर सीढ़ी चढ़ावा इस साइड के हाँ मतलब हम हो जाए जैसे किचन बा किचन के बगल से अगर हम सीढ़ी चढ़ावा हाँ आई हार्ड कॉपी नहीं है हार्ड कॉपी रखे हुए हैं दागा जाएगा हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी निकल जाए हार्ड कॉपी ना दिया ला जल्दी स्क्रैच होला ओकरा में हमने कहना चाहे जाके ओकरा टच करे ज्यादा गंदा होने लगेगा ना कुछ तक तो कॉपी निकालेंगे तो गंदे रहेगा एक बार यहाँ गंदा भय मकान ऐसा चीज है ना कि एक बार समझ नहीं मतलब बैठे ना अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेबर लोग बाहर से मंगाए हुए हैं साथियों और वो अभी रास्ते से उतर कर आ ही रहते हैं तो उनको अपने घर पे ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स से ये लोग बहुत काफ़ी दूर से आ रहे हैं और लगभग हमको लगता है कि पटना उस पर मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोग हैं साथियों और यहाँ पे लगातार काम चलने वाला है और यहाँ पे रहेंगे और रह के काम करेंगे साथियों तो इन लोगों को अपने घर पे ही रखेंगे और रख के वहीं पे ही काम कराएंगे साथियों।
तो साथियों देखिए यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं और अपने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे चौकी दो ठो डाल चुके हैं और ये मिस्त्री साहब अपना टेंट को ठीक करते हुए और टेंट को डालते हुए अभी साथियों मार्केट से लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं। पीले रंग का है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है साथियों। तो फ्रेंड्स रात का समय हो चुका है और यहाँ पे मिस्त्री और जो ठेकेदार साहब वो भी आए हुए हैं साथियों और यहाँ पे घर की नापाई की काम चालू है साथियों। और नक्शा ले करके घर का नापा जा रहा है कि कल किस तरह से सारा प्रोग्राम रखा जाएगा, किस तरह से नींव रखा जाएगा घर का। तो ये सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और बगल में जो वाइट कलर पहने हैं वही वो ठेकेदार हैं, यही हमारे घर का सारा काम काज देखेंगे। और जो ये फीते लिए हुए हैं ये मिस्त्री हैं साथियों, जो आते हुए आप लोगों ने देखा और इन्होंने नापी का काम शुरू कर दिया है। लगता है कि कल से ही काम स्टार्ट हो जाएगा साथियों।